सारे भाइयों ने, मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जयसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाई इस टाइम गोहाना में रहा, अरे गोहाना में भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की रैली है, रैली बिगन है, जबरदस्त है। अरे कुछ भाई खड़े हैं, ले बतला ले इनते। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब क्या नाम आपका? बेजंदर। कहाँ से? सांप लेता है। सांप लगा है। हाँ भाई। अच्छा, आज क्या कुछ लगे अभी से निभा रहे हैं? एक तरफा लग रहा माहौल भाई। क्यों कर गए? देख ले और अल्लाह देख ले, बेगन हो रहा है। कोई जात पात का नहीं है, कोई धर्म कर्म का नहीं है, कुछ नहीं सर। विकास पर सरापत वोट लेने लग रहे हैं। बता दे, कोई कमी हो तो कितने भी, सही बात है, कितने भी कोई कमीर को भाई का कली मान रहे हो कि क्या बात है? ना ना ना, बिल्कुल। फिर यो तो खाम गाड़ी ढूंढ रहे कर रहे हैं ना, सिंह आगे ना सरसम के क्या है, पानी ना पात ना, कृषि प्रधान देश बताओ है, सब कहेगी मौज कर रहे हैं। यो आ गया तो और बत्ती मौज होगी पूरे। राजकुमार एक सरपंच बैसरू कला दे, पूरे देश में दो कंस्टिट्यूंसी है, रोहतक सोनीपत, जो अपने काम पर और अपने नाम पर विकास पर जो ना वोट मांग रहे हैं ना, इसको पूरे देश में बरगलाया जा रहा है, झूठ के नाम पर राजनीति करी जा रही है, भाइयों को भाइयों से बिठाया जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद कराया जा रहा है। ये रोहतक सोनीपत विशेष इसलिए है, यहाँ केवल काम और नाम पर वोट मांगा जा रहा है। एक तरफा विकास के हुआ था, उसी के भी आप पे वोट देंगे और 5-5 लाख वोटों से जो है ना जीत होगी। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना लोग बता रहे हैं, भीड़ आप देख लो, जो लोग एक दूसरे की बहकाई मारे हैं उनको अपना पछतावा करना पड़ेगा, अपने सरापत पर, अपने दिल, अपनी आत्मा पर हाथ धर के वोट डालना हमारी है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपने दिल पर हाथ धर के ईमानदारी से वोट डालना। लोकतंत्र में वोट ही अपना सबसे बड़ा धन है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या बात है, मोदी सरकार तो करे युद्ध में ले जाने लग रही है, यानी कि भाईचारा नहीं रहा था, फिर फायदा क्या है? बताओ, जात पात की सब क्या राजनीति, विकास की राजनीति कर ले, काम की आज को तो मुकाबला कर ले। मोदी तो हम कार्यकर्ता मुकाबला का मारे कल्या कर ले, कितने कितने कर फिर यो कदे तो ब्राह्मण जाटते जाटन धानक समारते रही 34-35 दे रहे हो। विकास की राजनीति, विकास में कितने कम करवा, कौन से गांव विकास में कितने करवा, कितने खिलाड़ी आके मैं कर रहा हो मेडल आने लग रहे, डीटी से मैं चल रहा तीनों वड्डी कार में चला दिए खिलाड़ी। भाई साहब उठा साहब ने जतावा है, खुल कर है, पक्की बात से कति देख ले भाई दीपेंद्र उठा की, भाई दीपेंद्र उठा की, दीपेंद्र उठा की, चौधरी दीपेंद्र उठा की। मैं कुलदीप पुनिया मकडोली खुर्द रोहतक से। हुड्डा साहब दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जात पात को बांट दिया, ये नारा दे दिया इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। 36 बिरादरी भी कांग्रेस को वोट देगी, 36 बिरादरी कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि विकास इतना किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, पूरे हरियाणा में किया है, पूरे हरियाणा में विकास किया है दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने। ये जात पात की राजनीति नहीं करते, बीजेपी जात पात की राजनीति करती है, तो बहुत भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। रोहतक और सोनीपत ने छोड़ के और जो 8 सीट है उनका कैसे लग, रोहतक सोनीपत ने छोड़ दो, हमारे हिसाब से 6 या 7 सीटें हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी 10 में से। राम राम भाई, जो ये हमारे सुरेंद्र भाई, राम राम भाई साहब, ये जो मोदी जी है ये सिर्फ और सिर्फ जात पात पर इलेक्शन करवाए हैं, कोई नहीं राजनीति नहीं है। गुजरात में हिंदू और मुस्लिम को बढ़ा दिया, महाराष्ट्र में मराठों को बढ़ा दिया, हरियाणा में जाट को 35 बरादरी से बढ़ा दिया गया। मैं अंकित वशिष्ठ गांव टिटोली से हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारा विकास होगा तो भाई दीपेंद्र उठा कर सकते हैं, और किसी ये बस का नहीं है। 5 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कहीं भी हरियाणा सरकार में आके सत्ता में कहीं भी किसी की चीज या संस्था का या मेडिकल का कॉलेज का उद्घाटन किया हो तो हमें बताओ। दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे दोनों सीटों से, और 36 बिरादरी का उनका साथ है, और बहुत रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, बहुत ज्यादा विकास करे हैं, लोगों को नौकरी दी है, उसी बेस के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं।
सोनीपत कितना स्ट्रॉन्ग है रोहतक के मुकाबले? सोनीपत रोहतक के मुकाबले, रोहतक से कुछ न कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे लगा? कैसे जितने भी आपको यह भीड़ दिखती है यहाँ पर भी, हम गांवों में भूखे में है, पूरी बरादरी का हर एक बरादरी कुछ रोहतक से भी आई होगी, एक सारी सोनीपत की है क्या? ना थोड़ी बहुत रोहतक की भी है, दोनों जिलों की रैली यही है। अच्छा, हाँ, रोहतक और सोनीपत दोनों की यही है। तो बाबू बेटा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बन जाऊंगे? दोनों बढ़ेंगे ना, उप मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। हाँ जी, मुख्यमंत्री बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आप पूछ रहे कि रोहतक से या सोनीपत से ज्यादा वोटों से जीता भूपेंद्र सिंह हुड्डा? रोहतक से अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से जीता, यहाँ से 2.5 लाख से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे। ससुराल का वर्ग है, ससुराल का वर्ग नहीं है भाई साहब, ये मतलब इसके कार्यों का वर्ग है, जो मतलब कार्य इतने बढ़िया किए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में या रोहतक में या पूरे हरियाणा में। मतलब एक तरफा जीत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ जो, और ये जो पार्टी जितने भी आई है, चाहे वो दिग्विजय हो या फिर राजवाला हो या सैनी हो, कुछ भी हो, मतलब उनकी बुरी हार है यहाँ से सोनीपत से। सबसे जबरदस्त जीत है हुड्डा की सोनीपत में, रिकॉर्ड तोड़, एक तरफा जीत है, एक तरफा। और कोई मुकाबला नहीं भाई, ये लोगों का जुनून है, ये जमींदार दुखी हो गए सारा की मोदी सरकार ने मट्टी कर दी सब जाएगी, कति दिल से आ रहे हैं, कति एक तरफा जीत है, कोई मुकाबला नहीं है। कम से कम 3 लाख की जीत सोनीपत से हुड्डा की है बाबू बेटे, हम शर्त लाग रही है। कौन फालतू जीतेगा? अर्जुन साहब जीतेगा, वही मुख्यमंत्री ना, हुड्डा मुख्यमंत्री, हुड्डा मतलब बाबू बेटा अर्जुन साहब ज्यादा जीतेगा। ना ना ना, मुख्यमंत्री बनेगा हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा, कौशिक में सोनीपत सोनीपत में था, कौशिक ने 2 लाख वोटा था रहा। अच्छा, सोनीपत सोनीपत है। अच्छा, 24 तारीख ने फिर आज भाई गांव का नाम पता बता दूं, हुड्डा साहब सोनीपत है, कौशिक ने गणी 1.5 लाख वोटा धरा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ वाह जी, धन्यवाद भाई जी, ऊंटा ब्रांड है, पसीना आन दो, कर रहे हो पसीना आन दो आन दो भाई। तो भाई मजा आया इबे अंदर रैली के, मैं बढ़ांगे और फिर लोगों से पूछांगे, रैली होंगे के कुछ कहना है उनसे मिलांगे। धन्यवाद जयराम जी की, बात माता की जय भाई।